तो सब्सक्राइब कीजिए क्विट एंड टैक्स सॉल्यूशन चैनल को, और साथ ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, क्विट एंड टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विट के डिजिटल मीटर में जो रीसेट है, दो रीसेट के ऑप्शन है, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है, दो वीडियो अपलोड कर रखी है डिजिटल मीटर के बारे में, फुल एक्सप्लेन किया है कि ये सब जो यहाँ पर ऑप्शंस आती हैं इनका क्या काम है, क्या मतलब है, और ये यहाँ पर जो सब ऑप्शन है ये फुल एक्सप्लेन किया हुआ है दो वीडियो में, मतलब कि डिजिटल मीटर को फुल एक्सप्लेन किया हुआ है दो वीडियो के। मैं उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए पॉइंट पर आते हैं, जो यहां पर दो रीसेट के ऑप्शन है उनका क्या काम है और क्या काम आते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहां पर माइलेज शो करती है, यहां पर लिखा है किलोमीटर पर लीटर। मैंने इसे अभी रीसेट कर दिया था इसीलिए यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, मैंने इसे पहले रीसेट कर दिया। यहां पर इसे प्रेस बटन को प्रेस करके रखना है और ये रीसेट हो जाएगा। यहां पर 15.6 की माइलेज दे रही थी मेरी गाड़ी और मैंने इसे ट्रिप से जाने के लिए अभी रीसेट किया है। तो ये तो है रीसेट का बटन जिससे हम माइलेज रीसेट करते हैं, टोटल गाड़ी कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है ये सब रीसेट हो जाता है। और सेकेंड जो रीसेट की ऑप्शन है वो यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ ये है टोटल गाड़ी कितना रन हुई है, और इसके बाद जो ऑप्शन आती है वो है सेकंड रीसेट की ऑप्शन। यहाँ पर हम ट्रिप पे जाने से पहले इसे रीसेट कर सकते हैं ताकि हमें वापस आते वक्त ट्रिप से पता चल जाए कि हमने टोटल गाड़ी कितनी ड्राइव किया है, या फिर हम इसे डेली, वीकली या मंथली रीसेट कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने एक मंथ में गाड़ी कितनी ड्राइव की है या वन वीक में गाड़ी कितनी ड्राइव की है। ये वो रीसेट का ऑप्शन है, इसे हम रीसेट करके जीरो कर सकते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ड्राइव होगी ये अपने आप किलोमीटर इंक्रीज होता रहेगा। तो ये रीसेट की सेकंड ऑप्शन थी दोस्तों, और यहाँ पर किलोमीटर पर लीटर ये माइलेज की रीसेट की ऑप्शन है, और क्विट में दो माइलेज की और एक किलोमीटर ट्रिप की जो है रीसेट की ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।